Hello everybody, my dear ones. Hello to all the parents. Hope you all had a great weekend. All right, now we shall continue with our EVS lesson 2, and today our topic would be the five sense organs. All right, five sense organs. So let's start. Okay. Ta-da! What are these? These are flowers, right? Okay. Now you have to understand. सबसे पहले मैं ये flowers कैसे लेके आई? I saw them. मैंने उन्हें देखा, right? I saw them. And मैंने flowers देखने के लिए किस organ का use किया? कौन से body part का use किया? Our eyes. All right? Our eyes. So our first sense organ is eyes. All right. Now, wow, what a lovely fragrance! I swear, आपके घर पे भी अगर ये होंगे, amazing fragrance, guys. You must try it. Okay? मैंने किस organ का use किया? Smell लेने के लिए. Yes, nose. So, second sense organ is our nose, right? Eyes to see, nose to smell. Now, जैसे मम्मी लोग के स्कूल में होता था, पापा लोग के स्कूल में, पता है स्कूल ओवर की बेल कैसे होती थी? Everybody ready? What is that? ये साउंड है हाँ दिस इज द साउंड एंड हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू हियर विद द हेल्प ऑफ आर यस टू इयर्स एवरीबॉडी होल्ड योर इयर्स एंड से सॉरी राइट ओके सो एनी काइंड ऑफ नॉइज साउंड वॉइस कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ आर थर्ड सेंस ऑर्गन दैट इज आर Yes, yes. वो कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई कहते हो ना आप लोग नाउ नंबर फोर ओ माय गॉड आई एम वेरी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए लेट मी हैव अ सिप ऑफ अ कॉफी ऑल राइट एवरीबॉडी एक्सक्यूज मी ओ माय गॉड दैट सीम्स टू बी हॉट मेरे तो होठ जल गए टंग जल गई आई एम सॉरी आई थिंक मुझे 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद कॉफी पीनी चाहिए सो मुझे कैसे फील हुआ कि कॉफी हॉट है गर्म है या ठंडी है या खट्टी है या मीठी है या बहुत ज़्यादा शुगरी है या बहुत ज़्यादा सॉल्टी है विद द हेल्प ऑफ माई एवरीबॉडी यस टंग टी ओ एन जी यू ई टंग ऑल राइट So our fourth sense organ is our tongue, right? Now, last, okay? सबसे बड़ा sense organ या सबसे बड़ा organ हमारी human body में पता है क्या होता है? Not the heart, not the kidney, not the lung, not even the brain, but our skin. Yes. जो हमारी स्किन होती है ना बेटा ये देखो आप लोग देखो पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर्ड होती है राइट तो हमारा सबसे बड़ा बॉडी पार्ट एंड द फिफ्थ सेंस ऑर्गन इज आर स्किन स्किन से हमें फील होगा कि ओ माय गॉड इज दिस अ हॉट कप और इज दिस अ कोल्ड कप और इफ समथिंग इज मॉइस्ट इफ समथिंग इज मशी इफ समथिंग इज वेरी वॉर्म और वेरी कोल्ड और वेरी रफ ऑल राइट क्लियर माई डियर वंस सो फाइव सेंस ऑर्गन्स अगेन आईज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग ओल्डर वी ऑल नो हमको सबको पता है वी आर बॉर्न एज बेबीज छोटे छोटे प्यारे प्यारे रूई जैसे प्यारे बच्चे होते हो आप लोग पहले ठीक है देन यू ग्रो अप टू बी अ गर्ल और अ बॉय ऑल राइट देन
यू ग्रो ओल्डर, यू बिकम टीनेजर्स, हाँ फिर आप लोग हायर क्लासेस में चले जाओगे, है ना, देन यू ग्रो अप, ओ माय गॉड, सारे स्मार्ट बॉयज एंड गॉर्जियस गर्ल्स कॉलेज चली जाएंगी, राइट, देन अगेन यू ग्रो ओल्ड, देन यू टर्न अप टू बी अ मैन और अ वुमन, राइट, ठीक है ना, हम बड़े लड़के लड़कियों को मैन और वुमन बोलते हैं, ओके, लाइक योर फादर विल बी कॉल्ड एज अ मैन, है ना, योर मदर विल बी कॉल्ड एज अ वुमन, ऑल राइट, उसके बाद और बड़े हो गए तो बुढ़े बुढ़े से हो जाओगे, यू विल ग्रो ओल्ड, बिल्कुल अपने दादू की तरह, अपने दादी जान की तरह या नानी की तरह, राइट, सो सिमिलरली बेटा, जैसे हमारा लाइफ स्पैन होता है, हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स का भी लाइफ स्पैन होता है, दे ऑल्सो हैव लेवल्स, स्टेजेस, नंबर वन सीड, बीज, हाँ एवरीबॉडी सीड, देन वो सीड को जब हम मिट्टी में डालते हैं, उसमें वाटर डालते हैं और एयर और सनलाइट तो उसे मिलती ही है, फिर वो कुछ टाइम बाद एक बेबी प्लांट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सैपलिंग, ऑलराइट, फिर वो सैपलिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो प्लांट बनता है और नेक्स्ट फाइनली वो बड़ा सा ट्री बन जाता है, ऑलराइट, सो सिमिलरली बेटा लाइफ साइकिल्स होती हैं एनिमल्स की भी, सबसे पहले लाइक पपी, पपी बड़ा हुआ, फिर उसका पपी हुआ, देन अगेन अ यंग पपी, अ स्मॉल पपी, अ डॉग, एनिमल्स की, सारे लिविंग बींग्स की लाइफ साइकिल होती है, ऑलराइट, क्लियर सो फार, सो हियर वी एंड विद आवर लेसन टू, ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइजेस एंड कॉपी वर्क, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ड्यूरिंग आवर जूम क्लासेस, बट आई विल शेयर इट अगेन, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज बेटा अपना वर्क फिनिश कर लीजिए, ऑलराइट, एंड अपने स्पेशली वीकेंड्स को वेस्ट नहीं करना है, यू प्लीज स्टार्ट लर्निंग योर नोट्स, स्टार्ट लर्निंग योर स्पेलिंग्स, ऑलराइट, स्टार्ट लर्निंग योर एक्सरसाइजेस, फिलअप्स, ऐसा नहीं है जब टेस्ट आएंगे तभी पढ़ने बैठेंगे, नो, रॉन्ग, नेवर डू दैट, ऑलराइट, ऑलवेज डेली थोड़ा थोड़ा, एक आंसर लर्न करो उसको 5 times लिखो, ऑलराइट, नेक्स्ट आंसर लर्न करो उसको 5 times लिखो, थोड़ा थोड़ा बेटा लर्न करते जाइए, ऑलराइट, क्लियर सो फार, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय फॉर नाउ.